हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट ऑफ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों न्यूज़ में है, क्या है ये, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, सो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है हमारी अर्थ के ऊपर जो भी जितनी भी स्पीसीज हैं, जो भी बायोलॉजिकल वैरायटी और वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उसे हम कह देते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हमारी धरती के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ये सभी, जब इन सभी को हम मिलाकर के बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं धरती के ऊपर, जितने भी स्पीसीज हैं, वो साथ में मिलकर के काम करते हैं और इसीलिए इकोसिस्टम फंक्शन करता है। जितनी भी बायोडायवर्सिटी होती है अर्थ के ऊपर, वो इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, यहाँ पर जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और एक बैलेंस क्रिएट होता है अर्थ के ऊपर ड्यू टू बायोडायवर्सिटी। इसलिए बायोडायवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए इसका कंजर्वेशन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आइसोलेशन में कोई भी स्पीसीज यहाँ पर फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, इंसान को भी धरती पर रहने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो आता है काफी, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु हैं, उनसे काफी ज्यादा सपोर्ट ह्यूमन भी लेता है धरती पर। इसलिए लाइफ का एक बैलेंस क्रिएट होता है धरती के ऊपर बायोडायवर्सिटी की वजह से। ठीक है, सो इसलिए बायोडायवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कितनी ये टाइप्स की होती है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे पहले है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है जितनी भी स्पीशीज होती हैं धरती के ऊपर, उसमें जितनी भी वैरायटीज देखी जाती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि बहुत सारे पशु पक्षी हैं, ठीक है, जानवर हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, तो इन सभी को मिला करके जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी कि स्पीशीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, अलग अलग प्रजातियों में जो हमें विविधता देखने को मिल रही है, उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। सेकंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनकी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनमें जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है, उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि एक ही स्पीशीज में जब हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इस तरह से कि एक ही स्पीशीज है और बहुत सारी इनमें वेरिएशंस हैं, इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्पीशीज जो साथ में रह रहे हैं धरती पर, उनमें जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, उसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम में जितने भी स्पीशीज रह रही हैं, जो भी इनमें वेरिएशंस हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। जैसे कि मैरीन इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, माउंटेन्स में अलग इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग होता है, तो इन सभी में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, इसे हम कह देते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी और इसके टाइप्स क्लियर हैं। सो अब हम समझ लेते हैं कि ड्राफ्ट ऑफ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है क्या। ठीक है, तो इसको रिलीज किसने किया है, रिलीज किया है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि UNCBD, इन्होंने इसको रिलीज किया है। ठीक है, एज ए न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका एम क्या है, एम है कि पूरी दुनिया के एक्शंस को गाइड करना 2030 तक टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचर, और जो भी असेंशियल सर्विसेज हमें मिलती हैं धरती से, हमारी प्रकृति से, उन सभी को हम प्रिजर्व करें और उनको प्रोटेक्ट करें, इसके लिए इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें है क्या क्या, इसमें 21 टारगेट्स हैं, 10 माइलस्टोन्स हैं जो प्रपोज्ड हैं 2030 के लिए। ठीक है, और 4 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है बाय 2050 अंडर द विजन ऑफ CBD, जिसका नाम है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जो 2010 में जो है वो पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया था, जो भी 196 मेंबर्स हैं UNCBD के। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है। 21 टारगेट्स हैं, 10 माइलस्टोन्स हैं जिनको प्रपोज किया गया है 2030 के लिए, 4 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है 2050 तक। ठीक है, अंडर द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ CBD होज नेम इज लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, ठीक है, जिसको 2010 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 गोल्स क्या हैं इस कन्वेंशन के, जो इस फ्रेमवर्क में इशू किए गए हैं, जिनको अचीव करना है।
तो 2050 तक इनको अचीव किया जाना है। सो सबसे पहला जो गोल है वो है कि जो इकोसिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को एनहांस करना, कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी अपनी एक इंटीग्रिटी है, ठीक है, आपस में वो इंटीग्रेट है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको एनहांस करना। जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, उसके जो एरिया है उसको एटलीस्ट 15% से इंक्रीज करना, क्योंकि आप देखोगे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो एरिया है वो कम हो रहा है, तो उसकी जो एरिया है, कनेक्टिविटी है, और जो ओवरऑल इंटीग्रिटी है उसको इंक्रीज करना, और एरिया को इंक्रीज करने की बात करी है एटलीस्ट 15%, ठीक है, ताकि जो भी स्पीशीज हैं जो इस धरती पर हैं, ठीक है, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें और उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, हेल्दियर तरीके से वो सर्वाइव कर सकें धरती के ऊपर। इसलिए इन सब चीज़ों को करना है जो फर्स्ट गोल में बताया गया है, ठीक है। सेकंड है, नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल हैव बीन वैल्यूड, कि जो भी नेचर का कंट्रीब्यूशन है लोगों के लिए उसको वैल्यू करना है, ठीक है, क्योंकि नेचर से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं उस कंट्रीब्यूशन को हमें वैल्यू करना है, उसको मेंटेन करना है, एनहांस करना है, थ्रू कैसे करना है, कंजर्व करना है नेचर को, और जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं धरती से, जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका जो हम यूज़ करें वो सस्टेनेबल यूज़ करना है, ये इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का गोल है, ठीक है, ताकि सभी जो स्पीसीज हैं उन सभी का बेनिफिट हो सके। थर्ड गोल की बात करें तो थर्ड गोल कहता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उनको शेयर्ड करना, ठीक है, इक्विटेबली एंड फेयरली। तो बहुत सारे जो हमारी स्पीशीज होती हैं, बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, उनमें जेनेटिक चेंजेस भी किए जाते हैं, तो जो जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं उनसे जो मिलने वाला बेनिफिट है, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो, उसको शेयर करना, ठीक है, और इसके साथ ही जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व भी करना और उनको सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी का यूज़ हम करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसका सस्टेनेबल यूज़ बायोडाइवर्सिटी करना, ये इसका थर्ड गोल है, ठीक है। और जो भी इसमें गैप हैं, जो फाइनेंशियल गैप हैं और अदर मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन में जो गैप हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन में आज की डेट में आती है वो आती है फाइनेंस की प्रॉब्लम, पैसा नहीं होता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, जैसे कि हमें जो एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी को यूज़ करना है तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, जो भी ट्रेडिशनल हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज होते हैं उनसे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो ये नहीं हो पाता है। तो इसमें जो गैप्स हैं, जो भी इंप्लीमेंटेशन में बाकी प्रॉब्लम आती हैं उनको पूरा करना, ठीक है, अंडर द 2050 विजन, जो विजन है UNCVD का, उसके अंडर में इन गैप्स को पूरा करना, ये भी इसका एक गोल है। तो ये है चार गोल्स जो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंडर जो है वो रिलीज करे गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ठीक है, यानी कि UNCVD। तो इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है इस फ्रेमवर्क को, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दुनिया में उसको कंजर्व करना, ठीक है। इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था, जो अर्थ समिट हुआ था रियो द जनेरियो में 1992 में, उसी टाइम पर इसको भी सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ही आती है। 196 इसके मेंबर्स हैं और इसके जो सेक्रेटरिएट है वो है मॉन्ट्रियल कैनेडा में, ठीक है। इसके गोल्स हैं, सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी जैव विविधता है उसको कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी हम यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी का अपने डेवलपमेंट के लिए, उसका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल वे में हो, यानी कि हम उसका इस तरह से यूज़ ना करें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। और जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलने वाले बेनिफिट हैं उसको इक्विटेबली एंड फेयरली शेयर करना सभी कंट्रीज़ के साथ में, ऐसा नहीं कि कुछ ही कंट्रीज़ उसका बेनिफिट ले रही हों, ठीक है। सो ये तीन मेन गोल्स हैं इस कन्वेंशन के, ठीक है। इंडिया की बात करें वो किस तरह से इस कन्वेंशन के साथ में जुड़ा हुआ है, सो इंडिया भी इस कन्वेंशन की एक पार्टी है। इंडिया ने रेटिफाई किया था इस पर्टिकुलर ट्रीटी को 1994 में, ठीक है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी गवर्नमेंट ने फिर बनाया, कि जो भी हमने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को रेटिफाई किया है उसके जो भी गोल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको अगर हमें लागू करना है तो उसके लिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्रेटरी बॉडी भी बनाई जिसका नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, और इसको बनाया गया था 2003 में, ठीक है। सो इंडिया का क्या रिलेशन है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के साथ, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है।
अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 2002 व्हेन गवर्नमेंट पास्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक सही है. इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में. सो ये था हमारा आज का लेक्चर जो करंट अफेयर बेस्ड था. आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए. पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.